Welcome to the Happiness Cocktail. So guys, I am Devina and I make videos related to travel and lifestyle. बहुत ज़्यादा excited हूँ मैं. बहुत मज़ा आ रहा है मुझे क्योंकि मेरा अभी road trip चल रहा है 1300 kilometers. मैं रायपुर से वापस बेंगलोर जा रहे हैं हम लोग. तो मेरा ये वाला व्लॉग इसी पर रहेगा कि आप अगर वापस जा रहे हो तो आपको कहाँ खाना खाना है, कैसे रुकना है और कैसे हम लोग स्टार्ट किए थे, रोड कैसा है, सारी ये जानकारी मिलेगी. तो आप अगर जाना इस तरफ से, मतलब कर्नाटका से छत्तीसगढ़ आने का सोच रहे हैं तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. अगर आपको और कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर देंगे हम लोग. और मेरा अलग वीडियो बनाने का यही मकसद था क्योंकि कोई भी ऐसा वीडियो बनानी है कि कर्नाटका से छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ हो गया या नागपुर हो गया कहीं का भी, क्योंकि हम लोग नागपुर क्रॉस करते हुए जा रहे हैं. सो दैट इज़ रियली वेरी नाइस थिंग. और फिर हम लोग स्टार्ट किए थे मॉर्निंग 4:30 को रायपुर से और अच्छा वेदर था उस टाइम. तो फिर हम लोग अभी नागपुर जस्ट पहुंच चुके हैं, टच कर चुके हैं नागपुर को. तो हम लोग सोचे कुछ नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. तो हम लोग यहाँ रुके हैं स्वप्निल फैमिली रेस्टोरेंट करके. यहाँ पर कुछ अच्छे रेस्टोरेंट हैं बट कुछ बहुत का सारे ओपन नहीं हुए हैं क्योंकि ढाबे लेट ओपन होते हैं. तो वो सारी चीज़ें. और फिर ये जो मतलब यहाँ का जो नॉर्थ का रेस्टोरेंट होता है ना गाइस, सॉरी नॉर्थ का जो ढाबा होता है वो बहुत ही सही होता है. एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ. सो विपिन यहाँ रेस्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है. ऐसे यहाँ पर बहुत ज़ोरदार तरीके का, क्या बोलते हैं उसको, खटिया लगा रहता है. यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर लोग दोनों साइड बैठ के खाना खाते हैं और बहुत ही सही लगता है. और ऐसा यहाँ हमारा पराठा बन रहा है, आप देख सकते हैं. हम लोगों ने प्याज पराठा और वो लिया है चाय. आपको कुछ ऐड करना है? तो गाइस, अगर आप लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं रायपुर से नागपुर के साइड, रायपुर से मुंबई और रायपुर से हैदराबाद और रायपुर से बेंगलोर, सो ब्रेकफास्ट ट्राई टू टेक नियर दिस नागपुर एरिया. मतलब नागपुर से 10-15 किलोमीटर पहले और बाद में यहाँ पे कपल ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं. क्योंकि उसके बाद, क्योंकि एक बार आप नागपुर क्रॉस कर देते हैं तो आपको फिर अच्छे ऑप्शन नहीं मिलेंगे. सो दैट्स व्हाट. हम लोग जा रहे हैं कन्याकुमारी हैदराबाद रोड पे. गाइस, वी आर हैविंग लंच इन सिंग इज किंग ढाबा. And this is like the original dhaba. Looks like this only. And where is, see, he is the owner, Sardar ji. Hamara khana aa gaya. Paneer with this. Look at this roti. Look at the butter. Look at the butter, man. Isme dikh nahi raha hoga, but ab dekho, zoom in karke bata rahi hu. वही बटर रोटी. लुक एट द लोकेशन मैन, आई मिस दिस इन साउथ. सो गाइस, वी टुक अवर टी विद अस. यू कैन आल्सो ग्रैब योर टी एंड एंजॉय विद अस. वेरी नाइस. सो गाइस, हम लोग क्विकली बताते हैं कि हम लोग वापसी में कैसे गए. उसके बाद आप रुकिएगा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों को कितना अमाउंट लगा, कितना पेट्रोल, टोल टैक्स, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे. प्लीज बेयर विद अस. ओके, सो हम लोगों ने फिर जब स्टार्ट किया था, मतलब रायपुर से मॉर्निंग 4:30 वी स्टार्टेड एंड 4:30 से कितना देर तक चला है? तो हम लोग का ऐसा था कि अब हम लोग का एक्चुअली आइडिया हो चुका था कि कितना हम लोगों का हम लोग कवर कर सकते हैं. हमारा ऐसा था कि हम लोग हैदराबाद तक 800 किलोमीटर तो चला ही लेंगे. 800 किलोमीटर हैदराबाद, और हैदराबाद में थोड़ा घूमेंगे और अगले दिन आराम से निकलेंगे. क्योंकि वैसे भी 2-3 बजे बेंगलोर पहुंचना अच्छा है कि थोड़ा वो टाइम जो है अपन हैदराबाद में स्पेंड करें. तो हम लोगों ने फिर मतलब जो भी हम दोनों ने कवर किया 800 किलोमीटर, और हम लोग 5:30-6 o'clock हैदराबाद पहुंच चुके थे. 6:30 को पहुंचे थे. और हम लोगों को हमारा जो स्टे था वही नहीं मिल रहा था, बट दिस स्टे वाज फार बेटर देन द प्रीवियस वन. अगला ट्रिबो से बुक किया था 1000 रुपीज में, प्रॉपर
मतलब थ्री स्टार जैसा अच्छा होता है। हाँ, तो हम लोग उसका डिटेल में रहेगा सारा इन्फॉर्मेशन। ब्रेकफास्ट भी फ्री था उसमें। हाँ, ब्रेकफास्ट वाज आल्सो इंक्लूडेड। हैदराबाद में फिर आएगा स्टोर विजिट की, बहुत सारा फन किया, वो वीडियो भी आने वाला है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट किए हैदराबाद से बेंगलोर का आराम से। हम लोग सोचते इस बार हम लोग आराम करेंगे, वैसे भी कोई एक्साइटमेंट नहीं था कि घर ही तो जा रहे हैं, हो गया हमारे बेंगलोर ही तो आ रहे करके। सैटरडे हम लोग पहुंचे और 8:30 हम लोग स्टार्ट किए, 8:30 हम लोग स्टार्ट किए और हम लोग 4:00 बेंगलोर पहुंच गए थे, अपने घर में थे ना। हम लोगों का मतलब ये भी था कि मतलब लेट करने का एक कारण ये भी था कि हम लोग जो है ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहते थे, और दूसरा ये भी था कि हम लोग आउटर रिंग रोड के बहुत पास में थे, तो मतलब अगर थोड़ा ट्रैफिक बढ़ता भी था तो 2-3 किलोमीटर का एरिया है, वही 2-3 किलोमीटर का जो पाथ है वही ट्रैफिक का नक्शा होता, क्योंकि आउटर रिंग रोड में जैसे आप गए तो वैसे आप सिटी से बाहर आराम से निकल सकते हैं। हम लोग को बेंगलोर आने में बहुत टाइम लग गया है, 1 घंटे हम लोग बेंगलोर में। ओके, सो कमिंग टू द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, फाइनल पार्ट ऑफ अवर दिस वीडियो, कि हम लोगों ने सबसे पहले पेट्रोल कितना भरवाया था। सो आई हैव नोटेड इट डाउन, लेट मी चेक। सो गाइस, हम लोगों को टोटल पेट्रोल लग गया आने जाना मिला के, मैं यहाँ पे जो हम लोग अंदर गए मतलब रायपुर से मेरे होम टाउन गए, पखंजी वाला मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो रायपुर से अगर आप प्लान करते हैं मतलब रायपुर से बेंगलोर का, तो आपको ऑलमोस्ट 15,000 का पेट्रोल लग जाएगा, और 2,500 के करीब 2,500 के करीब आपका टोल टैक्स में लगेगा आने जाना मिला के। और स्टे में हम लोगों का खर्चा हुआ ऑलमोस्ट 3,000 रुपये हम लोग का स्टे में खर्चा हुआ, और 3,000 रुपये हम लोगों को खाने में ही लगे आना जाना मिला के। एयरपोर्ट फेयर सिर्फ एयरपोर्ट फेयर है, क्योंकि एयरपोर्ट जा रहा है तो फिर एयरपोर्ट यहाँ से एयरपोर्ट जाने का भी तो लगता ही 1,000 रुपये। So yeah guys, if you have any questions then you can please reach out to us, we are there to help you out anytime, और Instagram में भी पूछ सकते हो, YouTube में कमेंट कर सकते हो नीचे। सो बिल्कुल, मेरा Instagram हैंडल है thehapinesscocktail एंड विपिन का है विपिन सिंह सिंगर, और मैंशन कर दूँगी यहाँ मैं, और फिर आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। सो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सब्सक्राइब शेयर करके जाना जो छत्तीसगढ़ के हैं या जो जो आसपास के आपके दोस्त हैं या जो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो प्लान कर रहे होंगे लॉन्ग ट्रिप का, छत्तीसगढ़ जाना है बेंगलोर से, उनके साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब लाइक शेयर करके जाना। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।